अगर आपको लग रहा है ये सब फजूल है तो फिर आप यहाँ पर आए कि टू मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे साथ जो हुआ वो इस देश में किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। वाह। तो फाइनली दोस्तों इंडियन बॉक्स ऑफिस और दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर कल रिलीज होने वाली रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट इंडियन ऑडियंस का दिल जीतने में कामयाब हो चुकी है। और अपने पहले दिन तो दोस्तों इस फिल्म ने जहां ऑडियंस को रुलाने पर मजबूर कर दिया है, तो वहीं दोस्तों अपने दूसरे दिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी ताबड़तोड़ कमाई करती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर माधवन के कैरियर की सबसे मच अवेटेड फिल्मों में से एक रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट के शुरुआती दो दिनों के इंडियन और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, और जानने वाले हैं दोस्तों कि क्या शाहरुख खान और सूर्या की इस जोड़ी ने बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को एक हिट फिल्म करवाया है या नहीं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप भी आर माधवन की फिल्म रॉकेटरी का इंतजार बेसब्री से कर रहे थे और इस फिल्म ने आपको इमोशनल कर दिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आर माधवन जिन्होंने रहना है तेरे दिल में, थ्री इडियट और कई सारी बेहतरीन फिल्मों में काम किया है, उनके डायरेक्शन में बनने वाली एक बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट, जिसे कि इसरो के साइंटिस्ट नंबी नारायण के जीवन के ऊपर बनाया गया है। इस फिल्म को दोस्तों कल इंडियन बॉक्स ऑफिस के साथ साथ दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 2000 स्क्रीन पर ही रिलीज किया गया, जहां पर इस फिल्म को हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषा के अलावा इंग्लिश में भी रिलीज किया गया। और इन सभी भाषाओं में रिलीज होकर दोस्तों इस फिल्म ने अपने पहले ही दिन ऑडियंस का दिल जीत लिया। बताते चले दोस्तों आपको कि आर माधवन इस फिल्म में इसरो के साइंटिस्ट नंबी नारायण के कैरेक्टर में नजर आ रहे हैं। उन्होंने दोस्तों इस फिल्म में अब तक के उनके कैरियर की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दी है, उनका साथ दिया है। दोस्तों इस फिल्म में सुपरस्टार शाहरुख खान और साउथ की सभी लैंग्वेजेस में सूर्या ने, इन दोनों ने भी दोस्तों ऑडियंस को रुलाने पर मजबूर कर दिया है। और जिस तरह से दोस्तों उन्होंने आर माधवन का इस फिल्म में इंटरव्यू लिया है, सभी इमोशनल होकर निकले हैं। बताते चले दोस्तों आपको कि इस इंस्पायरिंग जर्नी को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कल ऑडियंस की तरफ से आउटस्टैंडिंग रिव्यूज मिले, क्रिटिक्स ने भी इस फिल्म को बेहतरीन रिव्यूज दिए, और यही वजह रही दोस्तों कि आर माधवन की फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट इंडियन बॉक्स ऑफिस पर जहां अपने पहले दिन हिंदी में 1.5 करोड़ रुपए कमाई करने में कामयाब रही, तो वहीं दोस्तों इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का जो टोटल कलेक्शन है वो लगभग 4.5 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच करने में कामयाब रहा। वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों इस फिल्म ने अपने पहले दिन 5.2 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की है, जो कि एक तरह से आर माधवन की फिल्म के हिसाब से काफी अच्छी कमाई है। बताते चले दोस्तों आपको कि इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से जिस तरह से आउटस्टैंडिंग रिव्यूज मिल रहे हैं, ऑडियंस इस फिल्म को लेकर, आर माधवन को लेकर और शाहरुख खान और सूर्या के कैमियो को लेकर तारीफें कर रही है। उसके बाद दोस्तों आज इस फिल्म के अपने दूसरे दिन के जो कलेक्शन से उसमें लगभग 40% से ज्यादा की ग्रोथ देखी जा रही है, और यह फिल्म आज मॉर्निंग से ही लगभग 20% की ऑक्युपेंसी के साथ ओपन हुई है। कल दोस्तों इस फिल्म ने हिंदी बॉक्स ऑफिस पर जहां 1.5 करोड़ की कमाई की, तो दोस्तों आज इस फिल्म का हिंदी में जो कलेक्शन है 2 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार करता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर आज इस फिल्म का जो कलेक्शन है वो लगभग 6 से 6.5 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच करता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि दोस्तों अपने शुरुआती दो दिनों में यह फिल्म वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर तो 11 से 12 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी होगी, लेकिन दोस्तों इस फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर हिट होने के लिए लगभग 20 करोड़ रुपए की कमाई करनी है। और जिस तरह के आउटस्टैंडिंग रिव्यूज इस फिल्म को इंडिया में मिल रहे हैं, दोस्तों यह फिल्म हिंदी में भी लगभग 20 से 25 करोड़ रुपए की कमाई आसानी से करने वाली है। वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का जो लाइफ टाइम है वो लगभग 50 से 60 करोड़ रुपए का रहने वाला है, और नंबी नारायण जी के जीवन के ऊपर बनाई जाने वाली यह फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर होने वाली है। आपको दोस्तों यह फिल्म कैसी लगी हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और बॉक्स ऑफिस बॉलीवुड और साउथ से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स के लिए आपके अपने चैनल बॉक्स ऑफिस ब्रेकिंग्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।